बच्चों अभिजीत क्लासेज क्लास टेंथ में आपका वेलकम है। आज हम सब मिलकर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पर बेस्ड आइए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन द गिवन फिगर एबीसीडी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच एबी पैरेलल टू डीसी इफ बीएडी इक्वल टू 100 डिग्री फाइंड एंगल बीसीडी, यानी बीसीडी फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है और एंगल बी भी फाइंड करना है और एंगल डी भी फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिंस एबीसीडी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देयरफॉर इट्स अपोजिट एंगल इज सप्लीमेंट्री। ठीक है, से 100 को घटा देंगे तो एंगल सी हमारा निकल आएगा। अब दूसरी कंडीशन, एबी पैरेलल टू सीडी, एबी पैरेलल टू सीडी एंड इट इज द ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, इफ ट्रांसवर्सल लाइन कट टू पैरेलल लाइन, ठीक है, सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री एंड इट्स एंगल इज कॉल्ड कोइंटीरियर एंगल। सेम साइड ऑफ सेम ऑन द सेम साइड एंगल्स कोइंटीरियर एंगल्स इज सप्लीमेंट्री। इसका इसका सम कितना हो जाएगा 180, 100 में से 180 में से 100 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बच्चों एंगल डी निकल आएगा। ठीक है, उसके बाद सिंस एबीसीडी जे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देयरफॉर एंगल डी और एंगल बी का सम कितना होगा बच्चों 180 डिग्री, इसका यूज करते हुए हम एंगल बी भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। पहले स्टेटमेंट लिखा जाएगा, वी नो दैट हम जानते हैं कि द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री ठीक है बच्चों, तो एंगल ए प्लस एंगल सी का सम होगा 180 डिग्री और एंगल ए हमारा गिवन है 100 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री इंप्लाइज दैट एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 100 डिग्री एंगल सी इक्वल टू 80 डिग्री। क्लियर बच्चों? यस सर। अब दूसरी कंडीशन लिखेंगे, दूसरा पार्ट हमें क्या ज्ञात करना है, ए बी सी। यहां पे लिखेंगे ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज द ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल डी का सम कितना होगा बच्चों
180 डिग्री, कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। क्यों सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, क्लियर। बट बच्चों एंगल ए इक्वल टू कितना है 180 डिग्री, एंगल ए कितना गिवन है 100 डिग्री प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, दिखाई पड़ा है। इट इंप्लाइज दैट एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस द 100 डिग्री, इंप्लाइज दैट एंगल डी हमारा कितना हो गया बच्चों 80 डिग्री, एंगल डी भी 80 डिग्री, ये भी 80 डिग्री अभी हमने फाइंड किया था। एंगल डी भी बच्चों कितना फाइंड किया गया 80 डिग्री, इसको नोट कीजिए। आगे बढ़े बता दें फिर लिखेंगे स्टेटमेंट क्या, वी नो दैट द सम ऑफ अपोजिट एंगल इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है बच्चों। तो एंगल डी प्लस एंगल बी का सम कितना होगा 180 डिग्री, बट एंगल डी इज द गिवन 80 डिग्री प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, इंप्लाइज दैट एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 80 डिग्री, एंगल बी हमारा कितना हुआ 100 डिग्री, कितना है बच्चों ये भी 100 डिग्री आ गया, ठीक क्लियर। इसको नोट कर लिया बच्चों, यस सर, मिटा दे, यस सर। प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल एंड ए डी सी इक्वल टू 130 डिग्री, इफ एंगल बी ए सी इक्वल टू एक्स डिग्री फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, देखिए ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, so its opposite angles sum is 180 degree, ठीक है, इससे भी निकल आएगा, ठीक है बच्चों। दूसरी कंडीशन, since
AOB is the diameter of a circle with center O. Therefore, angle ACB कितना होगा? 90 डिग्री का, ठीक है? तीसरी कंडीशन, we know that sum of angle in given triangle is 180 डिग्री. यानी एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी. क्लियर बच्चों? तो पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे, सेंस यहां पर क्रिया लिखेंगे, सेंस सेंस ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सी वाई सी एल आई सी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्यू यू ए डी आर आई एल ए टी ई आर ए एल. सो एस अपोजिट ओ डबल पी ओ एस आई टी, सो इट्स अपोजिट एंगल्स, सो इट अपोजिट एंगल्स, सो इट्स अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. एस यू डबल पी एल ई, सो इट्स अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. एस यू डबल पी एल ई एम ई एन टी ए आर वन. क्लियर बच्चों? तो एंगल इसमें ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी का सम कितना होगा बच्चों? 180 डिग्री. क्लियर? 180 डिग्री. बट एंगल ए बी सी कितना गिवन है? 130 डिग्री. 130 डिग्री प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री इंप्लाइज दैट एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इंप्लाइज दैट एंगल ए बी सी 180 में 130 लेस करो कितना होगा? 50 डिग्री. ठीक है, इतना क्लियर? यस सर. अब दूसरी कंडीशंस बच्चों क्या है? ए ओ बी इज द डायमीटर, सिंस ए ओ बी इज द डायमीटर डी आई ए एम ई टी ई आर डायमीटर ऑफ सर्किल, ऑफ द सर्किल, ऑफ द सर्किल सी आई आर सी एम ई विथ सेंटर, विथ सेंटर सी एन टी आर विथ सेंटर. ठीक है, तो एंगल आ जाएगा बच्चों ए सी बी हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा. क्यों? क्योंकि एंगल इन ए सेमी सर्किट, यहां पर लिख देंगे एंगल इन ए सेमी सर्किल सी आई आर सी एल टी. क्लियर? इतना क्लियर? यस सर. इतना नोट करो. तो एंगल सी भी हमने फाइंड कर लिया, कितना आया? 90 डिग्री. मिटा दें? यस सर. अब लेंगे इन ट्रेंगिल, इन ट्रेंगिल ए सी बी. ठीक है बच्चों, वी नो दैट
we know that the sum of angle, the sum of angle in given triangle is 180 degree. ठीक है, एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री। ठीक है, सी ए बी हमने किससे रिप्रेजेंट है, एक्स डिग्री प्लस ए बी सी कितना निकाले थे, 50 डिग्री निकाले थे ना, और बी सी ए 90 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एक्स 90 50 140 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री implies that x degree equal to 180 degree minus 140 degree implies that x degree equal to 40 degree। ठीक है बच्चों, d की जो वैल्यू, सॉरी x डिग्री आया है तो x लिखेंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। x की वैल्यू क्या है बच्चों, 40 डिग्री, नहीं डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगी, ओनली फॉर x की वैल्यू पूछ रहा है, x की वैल्यू आएगी 40। मिटा दें, यस सर, प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्किल एंड ए ओ सी इक्वल टू 40 डिग्री, फाइंड एंगल ए बी सी। हमें ए बी सी एंगल फाइंड करना है, हमने फिगर बनाया, यहाँ पे क्या करेंगे, एक पॉइंट हम डी लेंगे, कहाँ पे, रिमाइनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस, रिमाइनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस पर एक पॉइंट हमने डी ले लिया बच्चों। ठीक है, और AD और CD को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो लिखेंगे पहले हम टेक ए पॉइंट डी ऑन द रिमाइनिंग REMAINING है, फिर यम, फिर आई एन डी रिमाइनिंग, ये रिमाइनिंग किस पर होती है बच्चों, टेक ए पॉइंट डी ऑन द रिमाइनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस CIRCUMFERENCE। ठीक है, सर्कमफेरेंस। ठीक है, अब बच्चों हम जानते हैं क्या, केंद्र का कोण क्या होता है, शेष परिध के कोण का क्या होता है, दुगना होता है। वो इज द सेंटर ऑफ ए सर्किल, AOC इज द सेंट्रल एंगल। ठीक है बच्चों, हम जानते हैं कि किसी भी वृत्त में, वृत्त के केंद्र पर बना कोण शेष परिध पर बने कोण का दूना होता है। तो ये 140 का है, ये कितने का हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, 140 का आधा कितना हुआ बच्चों, 70 डिग्री, ये 70 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद कंडीशन सेंस ए डी सी बी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल,
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सो इट्स अपोजिट एंगल सम इज 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा, फिर एंगल बी भी निकल आएगा। ठीक है, लिखेंगे पहले हम, वी नो दैट हम जानते हैं कि वी नो दैट द एंगल एट द सेंटर, ऑफ ए सर्किल इज ट्वाइस, TWIC इज ट्वाइस। ठीक है बच्चों, the angle at any point on the remaining part of the circumference r e m a i n i n g remaining part of the circumference c i r c u m f e r e n c clear बच्चों, therefore angle अब हम निकाल देंगे ए डी सी इक्वल टू हाफ एंगल AOC, हाफ गुणे 140 डिग्री इक्वल टू आ गया बच्चों 70 डिग्री। ठीक है, इतना नोट कीजिए। नोट कर लिया? यस सर। बता दें? यस सर। We know that हम जानते हैं कि, ठीक है, the opposite angle OPPOSIT opposite angle of a cyclic quadrilateral supplementary supplementary। ठीक है, समझ में आया? तो एंगल आर सप्लीमेंट्री, देयरफॉर फ्रॉम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल CYCLIC साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल QUADRILATER साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD वी है। इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हम पाते हैं कि एंगल एबीसी प्लस एंगल एडीसी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो इंप्लाइज दैट एंगल एबीसी एडीसी हमने कितना फाइंड किया अभी 70 डिग्री।
70 degree equal to 180 degree implies that angle ABC 180 degree माइनस 70 डिग्री, इसका ट्रांसपोज कर दिए तो क्या आया, इंप्लाइज दैट एंगल ए बी सी इक्वल टू 110 डिग्री, ठीक है। तो हैंस एंगल ए बी सी इक्वल टू 110 डिग्री, ये बच्चों आंसर हो गया, लगा लीजिए। Yes, सिखा दे, yes, समझ में आया, yes, प्री बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्किल ए ओ सी इक्वल टू 110 डिग्री एंड साइड ए बी एंड साइड ए बी हैज बीन प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट डी, डी तक इसे बढ़ाया गया है, फाइंड एंगल सी बी डी, सी बी डी को हमें फाइंड करना है, ठीक है। हमने बच्चों कंस्ट्रक्शन किया, यानी ए ओ सी हमारा बच्चों क्या है, सेंटर का एंगल है, ठीक है, जो अर्क ए सी बी के माध्यम से जनरेट हुआ है। अब हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस पर एक पॉइंट हम ई ले लेंगे, ठीक है, जिसमें ई ए और सी ई को हमने मिला दिया, ठीक है। प्रिय बच्चों हम जानते हैं कि किसी भी सर्किल में सेंटर पर बना एंगल्स रिमेनिंग पार्ट पर बने एंगल्स का ट्वाइस होता है, बने एंगल का दुगना होता है। ये 110 डिग्री है, किसका आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा 55 डिग्री। और हमने एक थ्योरम ये भी पढ़ा है, किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक भुजा को यदि हम बढ़ा देते हैं तो बढ़ाने पर जो एंगल फॉर्मेड होता है उसे हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, और ये एक्सटीरियर एंगल जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो सी बी डी जो है ए ई सी के क्या होगा बच्चों, बराबर हो जाएगा, इस प्रकार जो है फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, एस ओ एल यू टी आई ओ एन लिखेंगे, टेक Any point, remaining spelling क्या होती है, R E M A I N G, take any point remaining part of the, take any point E, remaining part of the circumference, C I R C U M F E R E N C, ठीक है बच्चों। Join हमने join कर दिया, join A E and E C, ठीक, क्लियर। और बच्चों इसी के साथ हम ये भी जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं कि वी नो दैट द एंगल, द एंगल सबटेंडेड एस यू बी टी ई एन डी ई डी, द एंगल सबटेंडेड बाई एन अर्क
बाई एंड आर एट द सेंटर, एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल, ऑफ ए सर्किल इज ट्वाइस, टी डब्ल्यू आई सी ट्वाइस द एंगल, द एंगल सबटेंडेड, द एंगल सबटेंडेड ठीक है, द एंगल सबटेंडेड एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट ऑन द रिमेनिंग आर ई एम ए आई एन आई एन जी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस सी आई आर सी यू एम एफ ई आर ई एन सी ठीक है बच्चों। अब हम निकाल लेंगे डियर फोर एंगल ए ई सी, ए ई सी ये हो जाएगा एंगल ए ओ सी का हाफ, और एंगल ए ओ सी 110 डिग्री बाई टू ये कितना आ गया 55 डिग्री, कितना आ गया बच्चों ये 55 डिग्री क्लियर। यस सर। कितना नोट कीजिए फिर आगे बढ़े। नोट कर लिया? यस सर। इसको मिटा दें? यस सर। फिर एक स्टेटमेंट लिखेंगे और क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, नाउ ए बी सी ई, ए बी सी ई इज ए सी वाई सी एल आई सी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यू यू ए डी आर आई एल ए टी आर एल साइक्लिक क्वाड्री लेटरल ठीक है, हूज साइड, हूज साइड ए बी इज प्रोड्यूस्ड पी आर ओ डी यू सी ई डी प्रोड्यूस्ड ठीक है, पी आर ओ डी यू सी ई डी प्रोड्यूस, प्रोड्यूस टू ए पॉइंट डी ठीक है बच्चों। क्या हो जाएगा बट अब हम डी तक पढ़ा दिए तो सी बी, सी बी डी कौन सा एंगल है एक्सटीरियर एंगल ठीक है, तो बट लिखेंगे बट द एक्सटीरियर ई एक्स टी ई आर आई ओ बट, बट द एक्सटीरियर एंगल, बट द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऑफ ए साइक्लिक सी वाई सी एल आई सी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्यू यू ए डी आर आई एल ए टी ई आर ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इक्वल टू इट्स, इक्वल टू इट्स इंटीरियर आई एन टी ई आर आई वर इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल ओ डबल पी ओ एस आई टी अपोजिट एंगल ठीक है बच्चों।
ये स्टेटमेंट नोट कर लीजिए, देयरफॉर एंगल सी बी डी इक्वल टू एंगल ए ई सी इक्वल टू 55 डिग्री हो जाएगा। हैंस एंगल सी बी डी इक्वल टू 55 डिग्री, ये आंसर हो गया। इसको नोट कीजिए। समझ में आया? यस सर। हटा दे। यस सर। प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ई, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इफ एंगल डी बी सी 70 डिग्री एंड एंगल बी ए सी यानी बी ए सी 30 डिग्री, फाइंड एंगल बी सी डी। हमें क्या फाइंड करना है? बी सी डी, बी सी डी ये एंगल फाइंड करना है, बी सी डी ये एंगल। फाइंड एंगल बी सी डी, ठीक है। फर्दर ए बी इक्वल टू बी सी गिवेन है, ठीक है। इसे हमें सॉल्व करना है। तो इस फिगर को ध्यान से देखो बच्चों, तो सेम सेगमेंट बीसी पर, ये बीसी हमारा सेम सेगमेंट है, सेम सेगमेंट बीसी पर, बीसी सेम सेगमेंट पर एंगल ए फॉर्मेट हो रहा है और एंगल डी फॉर्मेट हो रहा है। ये 30 डिग्री का है तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 30 डिग्री का। कितने डिग्री का बच्चों? 30 डिग्री का, ठीक है। फिर उसके बाद हम लेंगे ट्रायंगल डी बी सी, एंगल सम प्रॉपर्टी से बी सी डी निकल आएगा, है ना। समझ में आया? तो पहले हम लिखेंगे सेगमेंट सेगमेंट बीसी, स्टेटमेंट लिखेंगे वी नो दैट। प्रिय बच्चों इस फिगर में एक मिनट, बीसी हमारा सेम सेगमेंट होगा तो ये 30, ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 30 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद ट्रायंगल लेंगे डीबीसी, डीबीसी में एंगल बी सी डी फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? पहले इतना हम कर लेते हैं। क्या लिखेंगे? वी नो दैट एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल, क्लियर। तो कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे? एक तो बनेगा बी डी सी इक्वल हो जाएगा एंगल बी ए सी, बी ए सी कितना दिया है बच्चों? 30 डिग्री का, ठीक है। ये 30 डिग्री का हो गया, क्लियर। यस सर। अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल
इन ट्रेंगल डीबीसी, इन ट्रेंगल डीबीसी, ठीक है। वी नो दैट, लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि द सम ऑफ, द सम ऑफ, द सम ऑफ एंगल, द सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रेंगल, ऑफ ए ट्रेंगल इज 180 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो इंप्लाइज दैट बी सी डी प्लस एंगल सी डी बी, सी डी बी प्लस एंगल डी बी सी, डी बी सी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इंप्लाइज दैट एंगल बी सी डी, एंगल सी डी बी 30 डिग्री का है और एंगल हमारा ये 70 डिग्री का है, इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी सी डी प्लस 100 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल बी सी डी इक्वल टू, इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 100 डिग्री, ठीक है बच्चों। फिर यहां पे लगा देते हैं, तो बी सी डी सबट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 80 डिग्री, क्लियर। यस सर। रिकॉर्डिंग क्वेश्चन इतना नोट कीजिए, पहले नोट कर लिया। यस सर। अब इसको मिटा दे बच्चों। यस सर। फिर बी सी डी हमने कितना फाइंड किया 80 डिग्री, ये ध्यान रखना। अब गिवन है, गिवन ए बी इक्वल टू बी सी, ठीक है। ये बच्चों क्या है, गिवन है, ठीक है। ये स्टेटमेंट याद कर लीजिएगा, इफ टू साइड्स, इफ टू साइड्स हाफ ए ट्रेंगल, हाफ ए ट्रेंगल, इफ टू साइड्स हाफ ए ट्रेंगल आर इक्वल, आर इक्वल, देन दियर, देन दियर, देन दियर अपोजिट एंगल्स, देन दियर अपोजिट ओ डबल पी ओ एस आई टी अपोजिट एंगल्स, आर आल्सो इक्वल, आल्सो इक्वल, क्लियर बच्चों। अब फिगर में देखिए ए बी का अपोजिट एंगल क्या है, सी है। ए बी, ए बी का अपोजिट एंगल क्या है, सी है, यानी ए बी, ए बी का अपोजिट एंगल है ना सी है कि नहीं है। हमने कौन सा ट्रेंगल लिया, ए बी सी है तो लिए थे, yes, नहीं बी सी डी लिया था, बी सी डी प्रिय बच्चों स्टेटमेंट याद कर लीजिए, इफ टू साइड ऑफ ए ट्रेंगल आर इक्वल देन दियर अपोजिट
एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ए बी साइड का अपोजिट एंगल क्या होगा? बी सी ए, ठीक है बच्चों। और बी सी साइड, ये साइड हमारा बी सी है, बी सी साइड का अपोजिट एंगल क्या होगा? बी ए सी। ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल, ठीक है। बी सी ए इक्वल टू एंगल सी ए बी, ये कितना है? सी ए बी कितना गिवन है? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री का हो गया, क्लियर। ये एंगल हमने कितना फाइंड कर लिया बच्चों? 30 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है ई सी बी, है ना। अब हम यहां पे लिखेंगे डियर फोर एंगल बी सी डी। बी सी डी हमने कितना निकाला था? 80 डिग्री, ठीक है बच्चों। बी सी डी 80 डिग्री। अब बी सी डी में दो एंगल शामिल है, कौन कौन से? बी सी ए प्लस एंगल डी सी ई, डी सी ई कह दीजिए या डी सी ए इक्वल टू 80 डिग्री। और हमने बी सी ए बी ए सी, हाँ, तो बी ए सी बी सी ए के बराबर है। ये कितना है? ये 30 डिग्री का हो गया है। अब डी सी ए इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है बच्चों। यहां पे लगा दे रहे हैं तो डी सी ए हो जाएगा हमारा 80 डिग्री माइनस माइनस 30 डिग्री, फिर एंगल डी सी ए 80 में 30 गया कितना आया? 50 डिग्री, है ना। इसी को आप लिख सकते हो डी सी ई, है ना, डी सी ई, ये 50 डिग्री यही पूछ रहा था। लगा लीजिए, बिठा दें। यस सर। नोट कर लिया? यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। इन एंड आइसोसेलीस ट्रायंगल ए बी सी विथ साइड ए बी इक्वल टू साइड ए सी, ये सर्किल पासिंग थ्रू, ये सर्किल पासिंग थ्रू बी सी इंटरसेक्ट द साइड ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट डी पैरेलल टू बी सी, ठीक है बच्चों। सोल्यूशन यहां पे ए बी साइड ए सी साइड के इक्वल है, ये हम नहीं कह रहे, ये गिवन है, खुद क्वेश्चंस कह रहा है, ठीक है बच्चों। ये स्टेटमेंट याद रख लीजिएगा, इफ टू साइड, इफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, इफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल देन दियर अपोजिट
अपोजिट एंगल्स एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है बच्चों, अब इनमें एबी का अपोजिट साइड एबी ट्रेंगल अकॉर्डिंग क्वेश्चन एबी जो है एसी के क्या है बच्चों इक्वल दिया गया है, तो इनके अपोजिट एंगल सी और बी भी क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक है, हम लिखेंगे एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए बी सी, इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना दिए। क्लियर? अब उसके बाद है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, अगर बी सी ई डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, समझ में आ रहा है क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो ये और बी डी को हमने बढ़ा दिया है ए डी तक, तो ये बच्चा ये जो एंगल फॉर्मेट होगा ये एंगल क्या होगा एक्सटीरियर एंगल होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल होगा। एंगल ए डी ई जो है एंगल ए सी बी के इक्वल होगा। ठीक है, समझ में आया? तो एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, ये भी याद कर लीजिएगा, यहां पहले हम लिख देते हैं सेंस एंगल ए डी ई इज एक्सटीरियर एंगल, इज एक्सटीरियर एंगल ई एक्स टी ई आर आई ओ आर एक्सटीरियर एंगल। ठीक है बच्चों, स्टेटमेंट लिख देते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। वी नो दैट इफ वन साइड ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्मेड इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल इसमें जो है एक्सटीरियर एंगल ए डी ई ठीक है, ये किसके इक्वल होगा इंटीरियर अपोजिट एंगल। यहां लिख रहे हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन सा ए सी बी के। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर दो बन गया। क्लियर? यस सर। इतना नोट कीजिए, नोट कर लिया बच्चों? यस सर। समझ में आया? बिठा दें? यस सर।
अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट. ठीक है, ए बी सी पहले हम दिखा भी देते हैं, यहां पर भी देख लीजिए. ए सी बी इक्वल टू ए बी सी, ये इक्वेशन फर्स्ट था बच्चों. ठीक है, और एंगल ए डी ई ये एक्सटीरियर है इक्वल टू, ये बराबर था ए सी बी के. ठीक है, हम इन दोनों इक्वेशन से हमने क्या फाइंड कर लिया, ध्यान समझिएगा. ए बी सी, ए बी सी इसके इक्वल हो जाएगा ए डी ई के, ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए डी ई है, यानी एंगल बी जो है, ये एंगल बी इस एंगल डी के क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है. और ये कौन से एंगल बन रहे हैं, ट्रांसपाउंडिंग एंगल है ना, यहां लिख देते हैं बट दीज आर, बट दीज आर ट्रांसपाउंडिंग एंगल सी ओ डबल आर ई एस पी ओ एन डी आई एन डी, बट दीज आर क्रॉसपाउंडिंग एंगल. ठीक है, आपको पहला लाइन में हमने बताया है इफ क्रॉसपाउंडिंग एंगल्स आर इक्वल देन गिवन लाइन्स आर पैरेलल. ठीक है बच्चों, हेंस डी ई पैरेलल टू बी सी. ठीक है, यही प्रूव करना है, पी आर ओ वी ई डी नोट कर लीजिए. नोट कर लिया? यस सर. बिठा दें? यस सर.